तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो स्टूडेंट देते हैं, कैट नहीं अच्छा गया तो जैट देते हैं, जैट अच्छा नहीं गया तो स्नैप देते हैं, बट कैट इज दी ओनली एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू यू कैन गेट इन टू ऑल दीज IITs and IIMs, right? And IIMs may be they're like category. Black E है, new IIMs है, baby IIMs है. तो हर student का dream होता है that मुझे IIM ABC में जाना है. And if I'm Sankalp has converted IIM Bangalore for this 24 session, right? So first of all, Sankalp, congratulations for that. मेरे एक और question है, you know, जैसे कि for example आपने अपने final year of graduation में right CAT 2023, you know 2022, right? And you got 92 percentile. 92 percentile उस time पे I think this सारे जो cap calls हैं, if I'm not wrong, last two last year, इस percentile पे आ रहे थे, ठीक है? Secondly, ये decision जो अभी भी बहुत सारे students जो अभी cat 20 जो 24 में enroll कर रहे हैं, कि drop लूँ, नहीं लूँ, कई सारे students हैं जो like let's say they even come to us and बात करने में academically वो बस ठीक ही हैं, तो किनको drop लेना चाहिए, किनको drop नहीं लेना चाहिए, इस पे क्या you know opinion है? ओके सो ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. लास्ट ईयर भी कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए थे और पर परसेंटाइल पे कैंडिडेट्स बढ़ गए. लास्ट टाइम आई गेस 92 परसेंटाइल पे कॉल्स आ गई थी पर इस बार आई गेस 94 परसेंटाइल के आसपास या उसके ऊपर क्या. हाँ तो इस समय दिख रहा है कि कंपटीशन डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है और जिस तरह का मार्केट सिनेरियो है कॉर्पोरेट के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए कैट में आ रहे हैं. तो हमें पहले तो ये देखना है कि रियलिटी से भागना नहीं है क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे आईएम्स आपके 10th 12th ग्रेजुएशन को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं एंड पीपल टॉक अ लॉट अबाउट प्रोफाइल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बट कॉल आने के लिए आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड योर कैट परसेंटाइल. दीज आर द मेन थिंग्स दैट मैटर. सो लेट्स से मेरे केस में क्या था कि आई हैड अ 95% इन 12th वो इन 10th 93 इन 12th एंड 93 इन ग्रेजुएशन. तो मुझे पता था कि मेरा एकेडमिक तो 99 मेरा सॉर्टेड है और अगर मैंने डिसेंट भी कैट ने परफॉर्म किया तो आई विल डेफिनेटली गेट सम गुड कॉल्स. एंड मेरे पास ये था कि मेरे पास कोई मुझे कंप्यूटर साइंस में कोई जॉब नहीं लेना था या वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेना था, मुझे एज अ फ्रेशर ही एंट्री लेनी थी और मेरा ये था कि मैं सारे एग्जाम दूंगा एनमैट स्नैप जैट एंड कैट. और अगर लेट से कैट वाले दिन मेरे कोई एग्जाम खराब भी होता है तो मेरे सारे एग्जाम्स खराब नहीं जाएंगे, एक ना एक डेफिनेटली कॉलेज में कन्वर्ट कर ही लूंगा मेरी इस प्रोफाइल के साथ. सो दिस इज हाउ आई टुक अ लॉजिकल डिसीजन ऑफ टेकिंग अ कैट ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप एक्चुअली. सो बट अब ये हर चीज मैं हर किसी को नहीं कर सकता हूँ. लेट से अगर किसी का अकेडमिक प्रोफाइल अगर नीचे है, लेट से 777 है या लेट से 887 है या बहुत कम अकेडमिक स्कोर्स हैं, तो उन्हें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा अपने चांसेस में. एंड मेंटर्स लाइक यू दे कैन गाइड यू एज वेल दैट कि उनके कौन कौन से कॉल्स आ सकते हैं किस परसेंटाइल पे. बट आई वुड से हैविंग अ बैकअप इज अ गुड थिंग एंड बिकॉज यूनिट अगर आप लेट से आपके पास एक ऑप्शन है कि अभी आप 1 से 1.5 मंथ्स में एक जॉब ढूंढ के साथ में कैट के साथ प्रिपेयर कर सकते हो तो आई थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन. बिकॉज एक चीज मैंने और नोटिस की है कि इन इंटरव्यूज ऑल्सो the value of the candidates who are having a work ex also matters because they have a basically a basic gist of the corporate world as well. So wo cheez help karti hai agar aapke paas let's say 8 ya 10 mahine ka bhi let's say work ex hai, I would say 6 7 months ka work ex hai, shayad wo aapko points na de par aapke paas interview mein kuch bolne ke liye kuch apne experiences share karne ke liye kafi sare aspects hote hain. So I would say ki take a rational decision aur apne parents se baat kariye, relative se baat kariye, aapki financial condition kya hai, kya aap afford kar sakte hain nahi kar sakte, drop lena. And I would say ki backup mein zarur rakhiyega agar किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसके एकेडमिक स्कोर्स खराब है या फिर लेट्स से अगर कैट खराब हुआ तो हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इस चीज के लिए आपको मतलब आई वुड से एक बैलेंस ऑप्शन लेना है सही रहेगा. मैं यूजुअली यू नो जो स्टूडेंट्स पूछते हैं सवाल के मैं ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आई सिंपली से देखो बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि आप किसी भी एक कॉल पे किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकते कि तुम कैपेबल हो या तुम कैपेबल नहीं हो, वट एवर देयर एकेडमिक. सिंपल सी चीज, अगर आपको लगता है इन एनी सिचुएशन और सिनेरियो मैं कैट में 94 प्लस जा सकता हूँ बिकॉज हर साल जो है वो कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है, राइट? यू नो बिकॉज अगर आप 75-80 परसेंटाइल, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके इससे भी कम परसेंटाइल है बट दे थिंक कि यू नो मैं ड्रॉप लूंगा, तो एमबीए इज लाइक वहां पे आपकी हर चीज देखी जाती है, आपकी प्रोफाइल भी देख रहे हैं, आपके अकेडमिक्स भी देख रहे हैं, वो गैप ईयर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको लगता है कि मैं उतना स्कोर कर सकता हूँ, राइट, then it makes sense. Otherwise, you know, अगर आपको लगता है कि let's say मैंने इस साल 50 किया, मैं next year 75 करूंगा, then in that case, it really doesn't make sense to take a drop. So yes, exactly. So best of luck for your future and be in touch.
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. श्योर, या ओके. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.